नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। बिहार सरकार के काबिल इंजीनियरों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब भारत सरकार के भी काबिल इंजीनियरों की कुछ कहानी सामने आ रही है। ताज़ा मामला उजियारपुर स्टेशन रोड निर्माण से आ रहा है, जहां रेलवे द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि सड़क काफ़ी गड्ढानुमा बनी हुई थी, जिस गड्ढे को ठीक से मटेरियल देकर भरा नहीं गया, मिट्टी देकर भरा गया, उसके ऊपर से कालीकरण का काम कराया जा रहा है। ऐसी हालत में जब वर्षा होगी तो जल लगने से मिट्टी सड़क के नीचे से साइड के गड्ढे में जल के साथ बहकर चली जाएगी और सड़क जस की तस फिर से बनी हुई रहेगी। या तो यूं कहें कि कुछ ऐसा भी देखा गया कि मिट्टी के ऊपर तेल भी नहीं छिड़का जा रहा था, लोग हाथ से कालीकरण किए गए मटेरियल को हटा कर दिखा रहे थे, जिससे घटिया निर्माण होना प्रतीत हो रहा था। वहीं सोनपुर डिविजनल इंजीनियर ने इस संदर्भ में कहा कि सड़क निर्माण कार्य जहां ठीक से नहीं किया गया है, संवेदक दोबारा निर्माण कार्य कराकर ऐसा हम उन्हें निर्देश देते हैं। गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमेश चंद्र कुंवर ने बताया कि सड़क का निर्माण बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। जब रेल विभाग के अफसरों का उजियारपुर स्टेशन निरीक्षण में आए तो हम लोग इस सड़क से उन्हें अवगत कराया था। निर्माण कर रहे हो, उसमें तेल नहीं दे रहे हो क्या सड़क पर? दे रहा है। वो जो उखाड़ा गया कहाँ, उस पर तेल दिखाई दे रहा है? बीच में सट जाता है ना, गर्दा है ना, तेल पटाओगे तो तेल सट जाएगा? नहीं सटेगा, बतलाइए उसमें सटेगा कि नहीं सटेगा। तेल पटाए हो ठीक से? उधर छीटा है कि नहीं देखिए ना, कहाँ पर है तेल? उधर देखिए, दिखा उठ के दिखाओ कहाँ तेल है, दिखा ना पीच वाला कहाँ दिख रहा है, वही तेल है। अब गाड़ी चलता है तो उड़बे ना करेगा? उड़ जाता है ना? नहीं उड़ेगा, उड़ जाता है। सूखा हुआ सड़क को बनाते हैं, गाड़ी कोनो बंद नहीं हो रहा है, बन रहा है सर, घटिया मिट्टी पर रोड बन रहा है। मिट्टी पर सड़क निर्माण किया जा रहा है, मिट्टी पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे रेल प्रशासन से? मिट्टी साफ करवा के उसके बाद अच्छा से अच्छा पिचिंग होना चाहिए। परिचय आपका? विजय कुमार चौधरी, चंद्रगढ़। ये बताना चाहेंगे किस तरह का ये सड़क बन रहा है, अनियमितता पाई जा रही है इसमें बहुत सारा? हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसमें प्राकलन के अनुरूप काम नहीं हो रहा, जो देखने से भी यहाँ समाज के तमाम लोग हैं देखने से पता चलता है। जो जो इसमें गुणवत्ता होनी चाहिए उसकी भारी कमी है, और जिसका कारण ये हुआ कि रोड बन रहा है तुरंत टूट जाए। इसके लिए तो रेलवे को और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो हम मांग करेंगे कि रेलवे से कि ये कार्य को अविलंब प्राकलन के अनुरूप कराया जाए, अन्यथा इसको बंद कराए। कार्य का बोर्ड भी कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा है। अपना परिचय देंगे? हम सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजद के वर्कर हैं। स्टेशन से गुमती की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये निर्माण कार्य ऐसे नहीं प्रारंभ हुआ है। इसके लिए DRM जब उजियारपुर स्टेशन में इंस्पेक्शन में आए थे तो हम लोग पब्लिक लोग जाके उनसे रिक्वेस्ट किए कि ये रेलवे सड़क है जो गड्ढा में तब्दील हो चुका है, आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उनके आदेश पर एक पदाधिकारी थे जिन्होंने कहा कि 10 दिन में ये प्रारंभ हो जाएगा, और जब 10 दिन में नहीं प्रारंभ हुआ तो हम लोग पुनः जो है सो लिखित सूचना उनको भेजे मोबाइल के माध्यम से, तब इस पर काम प्रारंभ हुआ। और गड्ढा जो था वो बहुत जगह गड्ढा में वो ईटा और या पत्थर देने के बदला मिट्टी से उसको भरा गया, और इसके बाद काम प्रारंभ हुआ। पुनः हम लोग कंप्लेन किए IN के यहाँ, वहाँ आए वो लोग, उन लोगों के साथ हम लोग घूम करके दिखाए कि देखिए मिट्टी पर में जो आप पिचिंग होगा तो कैसे टिकाऊ होगा, तो वो निर्देश दे के चले गए। उसके बाद भी ठेकेदार अपने मनमानी तरीका से रोड बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो है DRM को भी भेजे हैं मोबाइल से उसका फ़ोटो लेके वीडियो बना के। इसके बाद एक पदाधिकारी आए हैं जो बनवा रहे हैं, लेकिन अभी भी काम सही नहीं है। हमको लगता है कि एक महीना में ही रोड ख़त्म हो जाएगा, इस स्थिति में वो बन रहा है। जब से इस बिहार रेलवे में भी बिहार के ठेकेदार लोग घुसे हैं, कमीशन खोरी के चलते ये सड़क का ये स्थिति है, पता नहीं कितना दिन तक ये कामयाब होगा। बच्चे अपना देंगे? मैं उमेश चंद्र कुमार, उजियारपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, और पब्लिक लोग मेरे यहाँ शिकायत करते हैं, तब बाध्य होकर के हमको भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।